हाँ हेलो बच्चों, डेली के 10 क्वेश्चन डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं आज, है ना। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg है, देखो क्या कह रहा है। एक मास 2 kg की है बॉडी, कोलाइड करे विद ए वॉल। मैंने यहाँ पे कोई वॉल बना दी जो कि इसने बोला 100 मीटर। अच्छा, मैंने डायरेक्शन कैसे मानी है, क्योंकि मुझे पता है वॉल इस साइड है तो इसी साइड जाएगी। एंड क्या कह रहा है, रिबाउंड करती है वापस विद सेम स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इफ द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट वाज 1/50। अच्छा, 1/50, ये टाइम कितना हो गया? 0.02 हो गया, है ना। 0.02 सेकेंड, यानी बहुत कम सेकेंड है ना ये। अच्छा, बहुत कम सेकेंड यानी इम्पल्स हो गई। ये क्या चीज़ बता रहे, समझ आया? इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। ठीक है, ये अपन को पता है। द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वॉल, फोर्स कितना एग्जर्ट किया जाएगा वॉल पे। अच्छा चलो, मुझे यहाँ से पता लग गया कि मैं यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा पी, ये इसको मैं एक बार डी पी अपॉन डी टी भी लिख लूँ, छोटा सा पीरियड है तो। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पी यानी मोमेंटम, यानी एम भी लिख सकता हूँ इसको। एम तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, वी चेंज हो गया है, तो एम डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी कुछ और भी होता है, लेकिन अपन को वहाँ नहीं जाना, अपन को यहीं तक देखना है। अच्छा देखो अब, अच्छा अगर मैं किसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूँ तो इसको नेगेटिव मान लूँगा, है ना। तो यहाँ से देखो, एम की वैल्यू एम इंटू 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 × 100 अपॉन में टाइम 1/50। अच्छा, एम की वैल्यू भी चाहो तो पुट कर देते हैं ना, एक सेकेंड रुकना। तो यहाँ से 2 × 2 × 100 × 50, तो ये 50, या तो एक बार मैं इन जीरो को हटा देता हूँ। 5 × 10, 10 × 2, 2 × 10 की पावर 4, 2 × 10 की पावर 4। अच्छा, फोर से फोर्स की यूनिट न्यूटन। ये चीज़ ध्यान रखा करो, कोई चीज़ लिखो ना एंड में तो सोचा करो कि अपन ने फोर्स निकाला है तो फोर्स की यूनिट क्या क्या हो सकती है, न्यूटन, है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया। अच्छा, 10 की पावर 4 कैसे आया, 5 50 × 2, ये कैलकुलेशन है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एक बॉडी फॉल्स ऑन ए सरफेस ऑफ कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की थोड़ी स्पेलिंग गलत है, चलो इसको इग्नोर करता हूँ। रेस्टिट्यूशन 0.6 फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, इसने बोला 1 मीटर हाइट है, ई की वैल्यू इसने दे दी 0.6, देन बॉडी रिबाउंड टू हाइट। अच्छा, बॉडी कितनी रिबाउंड करेगी? वैसे तो देखो देखो, इसकी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड चीज़ है ये। ई की वैल्यू दे रखी है, एच दे रखा है, यहाँ से सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। जैसे मान लो कोई एन नंबर ऑफ इसने रिबाउंड किए होते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाता, इनिशियल हाइट ई की पावर 2n। ठीक है, इसने हाइट 1 मीटर, ई की वैल्यू 0.6 दे रखी है। अच्छा, 2 × n, n नंबर ऑफ रिबाउंड कितने किए, नंबर ऑफ रिबाउंड वो कह रहा है एक बार में, तो 1 तो 0.6 का स्क्वायर, 0.6 × 6 36.6.6, 2 बार मीटर आ गया, 0.36 यूनिट मीटर, हाइट इन मीटर आंसर। इसको देख लेते हैं, इसमें देखो कैलकुलेशन नहीं करनी है ना, तो घबराने की बात नहीं, लेकिन कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन ये कंसेप्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बॉडी है वेट जिसका 0.1 kg, कमिंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड से आ रही है बॉडी, स्ट्राइक विद द बैट एंड रिटर्न इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ दिस। यहाँ पे मैंने बैट बना दिया, यहाँ से ये बॉडी वापस जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, देन द इम्पल्स इज, अब देखो
यहाँ पे पूछा गया इम्पल्स। देखो इम्पल्स कैसे निकाल सकते हो, इम्पल्स को आप डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो, इम्पल्स इज इक्वल टू डेल्टा पी या चेंज इन मोमेंटम। अच्छा मोमेंटम चेंज यानी एम वी में चेंज, ठीक है एम वी में चेंज। अब जैसे मान लो 0.1 इंटू, मैंने अगर इसको पॉजिटिव लिया 40, ठीक है माइनस इनिशियल एम वन वी वन, इनिशियल मास क्या है, मास सेम ही रहेगा 0.1 इंटू। अच्छा इस डायरेक्शन को अगर मैंने पॉजिटिव ले लिया तो इसको मैं नेगेटिव ले लूँगा, तो ये -30, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप क्रॉस चेक कर लो एक बार, ये ऑप्शन अपना चला जाएगा बी ऑप्शन। ओके एक ये हो गया। ए बिलियर्ड बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड करता है अनदर आइडेंटिकल बॉल्स ओरिजिनली एट रेस्ट। देखो ये कोई बॉल है, मास मास कुछ नहीं दे रखा, मैं मास एम मान लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड से इस साइड है, यहाँ पे कोई और एक और बॉल है जो कि वेस्ट में है, आइडेंटिकल है मतलब यही मास एम की है। देन द सेकेंड बॉल विल मूव मूव फॉरवर्ड विद द स्पीड ऑफ, देखो इफ द फर्स्ट बॉल इज स्टॉप आफ्टर कोलिजन, अगर पहली बॉल स्टॉप हो जाती है देन दूसरी बॉल किस स्पीड से जानी चाहिए, ये क्वेश्चन है। देखो इसकी जो ये स्पीड है पूरी पूरी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और अगर मैं बात की केस करूँ तो ये वेस्ट पे आ जाएगी, अगर इसने नहीं दिया होता तो अपन को पता होता 5 मीटर पर सेकेंड से ये चलने लगेगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी है, अच्छा वैसे बिलियर्ड बॉल क्या होती है, एक गेम आता है ना 8 पुल करके, उसमें वो बॉल्स होते हैं उन्हीं को कहते हैं 8 पुल, शायद उसका एंड्रॉयड वर्जन का नाम है ना, मैं ना खेलता हूँ मुझे ना पता। ए बॉडी ऑफ मास 50 kg इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, एक 50 kg है बॉडी जिसको ऊपर फेंका गया है विद ए वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड आफ्टर द बॉडी ब्रेक इन 20 एंड 30। अच्छा इस चीज़ का पहले अपन इस चीज़ का मतलब समझते हैं, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड बाद बॉडी कहाँ पे होगी, बॉडी मैंने मान लिया यहाँ पे होगी, स्पीड क्या होगी इसकी 5 सेकेंड बाद क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, मैं एक्सलेशन नीचे 10 मीटर पर एक्सलेशन मान ली मैंने, है ना 9.8 की जगह 10 मान लिया, बॉडी ब्रेक इंटू टू पार्ट, 20 kg में टूटेगी एंड 30 kg में टूटेगी। अब क्या कह रहा है, अगर 20 kg वाला पीस ऊपर जाए 150 मीटर पर सेकेंड से देन द वेलोसिटी ऑफ द अदर ब्लॉक, अदर ब्लॉक यानी 30 वाली की वेलोसिटी पूछी गई है, ठीक है। देखो वेलोसिटी तो देखो आप कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी एक ये भी तरीका लिखने का, यू माइनस जी टी इनिशियल माइनस एक्सलेशन, तो 100 मैंने इसके लिए माना, और इसके अगर आप वैल्यू पुट करें तो वैसे पुट करें तो 5 सेकेंड 51 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब देखो मैंने यहाँ पे 10 बोला था तो यहाँ पे 51 है तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर मानते लगभग लगभग, अगर मैंने बस एग्जांपल के लिए रखा, आप 10 रखोगे तो सेम आंसर आएगा इसका। अच्छा पी इनिशियल मोमेंटम पी इनिशियल फाइनल कर देंगे अपन, उससे भी निकाल सकते हैं 50 × 50 या 51 कर दो, कैलकुलेशन में बस थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। अच्छा पी फाइनल मैं आगे वाली स्लाइड पे लिख लेता हूँ, पी फाइनल में अपन को पता नहीं है 20 × 150 + 30 × V, ठीक है, और पी फाइनल में 250 इज इक्वल टू 20 × 150 + 30 V, देन V की वेलोसिटी यहाँ से सॉल्व करके निकालोगे तो माइनस आएगा 15 में 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा माइनस क्या शो कर रहा है, अगर मैंने इसको ऊपर पॉजिटिव माना, पॉजिटिव आप कहोगे कि साहब ने कहाँ माना, मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव रखी है मतलब मैंने पॉजिटिव माना है, अगर मैं इसको यहाँ पे नेगेटिव रखूँगा तो मैं इसको नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर वाले को नेगेटिव मान लूँगा, एक को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव क्या बताया है डाउनवर्ड जाएगा, ये हो गया।
हंड्रेड ग्राम ऑफ ए आयरन बॉल हैविंग वेलोसिटी 30 मीटर, सॉरी 100 ग्राम की बॉल है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद ए वॉल एट एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया ना यहाँ पे, 30 डिग्री कर देना। अब देखो ये किसी वॉल से कोलाइड कर रहे हैं। अच्छा इसने, अब एक चीज़ थोड़ी समझने वाली यहाँ पे है कि तो उसने बोला ये कोलाइड कर रहा है वॉल से। अच्छा उसने कुछ नहीं दिया, 30 डिग्री बस इसको बोल दिया, तो मतलब ये एंगल 30 है, ठीक है, ये एंगल 30 है, ध्यान रखना। रिबाउंड विद सेम एंगल, अब ये रिबाउंड कर रहा है, अच्छा रिबाउंड कर रहा है सेम एंगल से, तो ये भी 30 है। इफ़ द पीरियड ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड वॉल इज 0.1 सेकेंड, बहुत कम है, ठीक है, कॉन्टेक्ट ये बहुत कम है, देन द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉल, ठीक है, फिर वही इम्पल्स वाला केस, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ से देखो, अच्छा देखो, अच्छा मैं अगर ये वाला एंगल लूँ या इस वाले का कंपोनेंट ले लूँ, अच्छा बॉल किससे आ रही है, देखो एक बार मैं इसको एम और वी लिख देता हूँ, मैंने कहा ये कोई वी वेलोसिटी से आई, तो इसका ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, वी कॉस थीटा, ये वी साइन थीटा है ना, ये वी कॉस थीटा। अच्छा दोनों सेम साइड है, ठीक है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करूँगा, तो इसमें इन दोनों का कोई इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं आएगा, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आगे वाले स्लाइड पर बता देता हूँ मैं, तो अपने पास जो नेट रिजल्ट आएगा, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा टी या इज इक्वल टू 2 mv sin थीटा। अच्छा ये साइन कौन सा एंगल, जो कि गिवन है, गिवन है या उस वॉल से अपन ने कंपोनेंट वॉल से लिया है, तो ये 30, ठीक है, अपॉन में टी, तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 × 2 × 100 × mv की वैल्यू 10 sin 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 और 0.1, तो यहाँ से ये सॉल्व किया। अच्छा 100 ग्राम है, तो केजी में करने के लिए इसको कैंसिल कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, 10, दोबारा से यूनिट न्यूटन, ये आंसर, ठीक है। ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक अप इन थ्री पार्ट, कोई बॉडी रेस्ट पे थी, ये 3 भाग में टूटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा ये बोला है 2 पार्ट्स इक्वल मास फ्लाइंग परपेंडिकुलर, जो कि 2 मास है इक्वल, वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर चले गए विथ 12 मीटर। अच्छा इक्वल पार्ट है, तीन तीन है ना, विद आफ्टर ईच विद ए वेलोसिटी 12 मीटर द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्ट विच हैज़ 3 टाइम मास। अच्छा देखो अगर इसका मास एम है, इसका मास एम है, तो इसका मास 3 m है, ठीक है, अपन को ये चीज़ समझ आ गई लास्ट वाली लाइन से। अच्छा ये दोनों एम मास के यहाँ चले गए, तो अच्छा इसका कंपोनेंट ये, और ये 3 मास, ये जो, अब देखो अब अपन को क्या करना है, पी इनिशियल पी फाइनल, तो इसको मेंटेन करने के लिए अपन इस साइड में ये मास ऐसा जाना चाहिए, अपन को पता लग गया 3 m किस वेलोसिटी से, वी से, तो इन दोनों को इक्वल कर दो ना, 3 m, अच्छा यहाँ पे एक एम लगा देना, 3 mv इज इक्वल टू 12√2 m, तो ये एम से ये एम से ये एम कैंसिल, ये 4 टाइम्स वेलोसिटी आ गई 4√2। अच्छा ये कितने एंगल पे है, मुझे पता है एंगल भी पूछा होगा, 4√2 4√2। अब एंगल देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री, अब 90 से ये कितना है, 45 45, ये दोनों 45 है, 90 45 135, मतलब दोनों पार्ट से 135 एंगल में, 135 डिग्री फ्रॉम ईच बॉडी, ठीक है, डी ऑप्शन चला जाएगा। द बॉब है ए ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज रिलीज व्हेन द स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 45 विद द वर्टिकल, इफ इट्स हिट अनदर बॉब बी, क्या बोल रहे हैं, द बॉब ए ऑफ सिंपल पेंडुलम इज रिलीज 45, ये मैंने कोई ए बनाया रिलीज विद 45, मैंने एक बार ये बस सीधी डंडी बनाई है विद द वर्टिकल वर्टिकल, ठीक है, इट्स हिट अनदर बॉल, ये कोई बी है, मास सेम कैट जो कि वेस्ट पे है, ये वेस्ट पे है, बी है,
इफ द कोलिजन इज इलास्टिक, ध्यान रखना कोलिजन इलास्टिक में क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, अगर कोई ए मास किसी कुछ वेलोसिटी से आ रहा है तो ये ए आने वाला मास जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, और ये जो बी है ना ये बी उसी वेलोसिटी से आगे चला जाएगा। एम मास, इन दोनों का मास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या चला जाएगा, बोथ ए एंड बी ये नहीं होगा, एंड बोथ ए एंड बी कम टू वेस्ट ये भी नहीं होगा, बोथ ए एंड बी राइज टू सेम हाइट, इसको एक बार इग्नोर करते, ए कम टू वेस्ट एंड बी मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है ए आ गया वेस्ट पे और बी चला गया वेलोसिटी ऑफ ए। ए बॉडी ऑफ मास 5 kg मूविंग विद वेलोसिटी 10 m/s, फिर 5 kg का मास है जो कि मूव कर रहा है 10 m/s से, जो कि कोलाइड कर रहा है 20 kg के मास से जो कि कहाँ पे है, वेस्ट पे है, ठीक है। तब वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड बॉडी ड्यू टू कोलिजन, अब वेलोसिटी अपन को पूछे इसकी सेकेंड बॉडी की ड्यू टू कोलिजन है ना। हाँ देखो अपन को पूछिए वेलोसिटी इसकी, तो देखो इसके बाद क्या होगा, देखो 5 kg का जो मास है, अच्छा देखो बॉडी ऑफ मास एंड वेस्ट एंड कम टू द वेस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये 5 kg वाला वेस्ट पे आ जाएगा और ये किसी वेलोसिटी, ये 20 kg वाला कोई वेलोसिटी वी से चलने लगेगा। देखो P1 इज इक्वल टू P2 होता है अपन को ये पता है, तो इनिशियल में 5 × 10 + M1 V1 से M1 V1 M2 V2, ठीक है 20 ये इनिशियल में 0, फिर बाद में 0 ये रेस्ट में आ गया 20 × V, तो यहाँ से देखो 50/20 इज इक्वल टू V, तो V की वैल्यू आ गई 2.5 m/s, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद अपना, न्यूटन मेक्स मेक्स ए हेड ऑन कोल हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद द स्टेशनरी न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन इन न्यूट्रॉन, द फ्रैक्शनल एनर्जी ऑफ द फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस ऑफ द न्यूट्रॉन इन द कोलिजन। देखो एक कोलाइड कर गया इसके साथ जो कि वेस्ट पे है, अच्छा अगर इसका मास 1 है तो इसका मास 2 होगा, या इनका रेशियो बोल सकते हो। फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होता है निकालने का तरीका, फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालने का तरीका, 1 - मास ऑफ 1 - मास ऑफ सेकंड अपॉन में मास ऑफ 1 + मास ऑफ सेकंड उसका स्क्वायर, तो 1 - अच्छा अगर इसका मास m है तो इसका 2m होगा, वही वाली बात, तो 1 - 2 अपॉन में 1 + 2, तो ऊपर क्या बच जाएगा 1 - 2 यानी -1 - 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर यानी 1 का -1 - 1 1, और इसका स्क्वायर 9, 1 - 1/9 यानी 8/9 आंसर चला जाएगा अपना बी ऑप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे सारे क्वेश्चन, थैंक यू।